सिकंदर बाकी सारी चीजें तो एक तरफ लेके कोई एटलीस्ट जब तक मैं देख रही थी तो तीन कैचेस तो ड्रॉप हुए थे पाकिस्तान की साइड से, तो हम सोच रहे थे कि अभी इनकी बड़ी एक फिटनेस ट्रेनिंग भी हुई है और खैर वो फिटनेस तो अपनी जगह, लेकिन दे वुड बी इन अ मच बेटर फॉर्म, बट आर दे? अच्छा पहले तो वेलकम बैक हुमा जी, मैं समझा था शायद कोई रोटेशन पॉलिसी चल रही है मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रही है मजाक कर रहा हूं। जी जी तो देखिए यार, कल हम हमेशा बॉलर्स पे जब भी हमने ज्यादा डिपेंड किया है मुझे ऐसा फीलिंग आती है जैसे हमारे बॉलर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कल नसीम शाह का एक ओवर था जिसमें 23 रन पड़े और 23 रन में से, मैं बैठ के सारा कल डेटा निकाल रहा था, 23 रन में से 17 रन उनको टांग के ऊपर पड़े जो कि शॉर्ट गेंदों के ऊपर उन्होंने किए। मतलब आपको जब आपको पता है कि ये आखिरी ओवर का जो वो ओवर था शायद 15th ओवर था जिसके ऊपर उनकी पिटाई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये ओवर में वो चार्ज करेंगे तो यू हैव टू कीप अ बेटर लेंथ। आपने इतनी शॉर्ट गेंदें की उसको चैपमैन को 23 रन खींच दिए, बस वहीं से मैच सारा निकल गया। हमने जो है आखिरी के जो पांच ओवर थे उसके अंदर हमने किए 55 रन और उन्होंने सिर्फ 3 ओवर में 44 रन कर दिए। और अगर आप उनका पूरा जो वैगन भी उठा के देखें जो कि उसमें आया हुआ आपकी स्कोर बोर्ड के साथ, तो आपने शॉर्ट गेंदें कर दी, आपको पीछे गेंद करने की क्या जरूरत है? आप अपने एक लेंथ पे आपने अच्छी खासी विकेटें ली हैं यॉर्कर्स के ऊपर, आपने शॉर्ट गेंदें कर दी। हालांकि मैं पीएसएल में समझ रहा था कि क्या होता है शेखु, मतलब ये हमें पता है, ये आपको पता है, ये उनको भी पता होगा, वी शुड नॉट अज्यूम कि उन्हें नहीं पता होगा। हाँ। तो क्या एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते? मतलब नसीम शाह वो डेफिनेटली नो ना कि उसने कहां गेंद करनी है, मतलब वो खेल रहा है, वो चाहता है कि वो विकेट ले, फिर क्या होता है? मेरे ख्याल से अब्दुल्ला थोड़े से शौके हो जाते हैं कि मैं तेज गेंद कर दूं। मैं पीएसएल से कह रहा हूं कि नसीम शाह का गेंद इतना आला स्विंग हो रहा है ऑफ द पिच जाके बाहर की तरफ निकल रहा है जो कि विकेट टेकिंग बॉल है। आप उधर भी शॉर्ट गेंदे कर रहे हैं, आप उसको उसी लेंथ पे गेंद करें ताकि बल्ले से लग के स्लिप की तरफ जाए, आप एक अच्छी क्वालिटी बॉलिंग दिखाएं। या तो ओवर कॉन्फिडेंस के जी हम उड़ा के रख देंगे और उसके अंदर जो है वो कॉम्पिटिशन, या फिर अंडर कॉन्फिडेंस, नहीं अंडर नहीं ओवर होता है, या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोशिश। वो इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोशिश कि अब मुकाबला फास्ट बॉलिंग में हमने क्रिएट कर दिया है, हमने बहुत से लड़कों को रिटायरमेंट से बुला लिया, हमने दूसरों पे प्रेशर डाल दिया, तो अब मुकाबला हो रहा है कि जी मैं टीम में 11 में रहूं, अब 11 का मुकाबला है 16-17 का नहीं है। 16-17 में आप आए मगर आपने खेलना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना कि आपने खेलना है। तो मेरे ख्याल से ओवर एक्साइटमेंट है जिसकी वजह से वो शॉर्ट गेंदे कर रहे हैं। उनके साथ बैठ के जो कोच है वो बात करे, वो जो बॉलिंग कोच है जो भी है वो उनके साथ बैठे बात करे कि जी आपका ये ओवर आप खुद उठाकर देखें, उनको वो पूरा ओवर दिखाएं कि आपने वहां गेंद की कहां की और वो मैच खराब हो गया। और मैंने कल जब डेटा निकाला था हमारा मैच 15 ओवर तक एग्जैक्टली सेम था, 4 या 5 रन का फर्क था, मगर उसके फौरन बाद उन्होंने 3 ओवर में पूरे 3 ओवर के अंदर 44 रन करके मैच खत्म कर दिया। अगली टीम आती है उसने टारगेट देख लिया होता है, वो पहली बॉल से ही या स्टार्ट हो जाती है। हमारा ये भी कसूर है कि हम वी टेक इट इजी, हम स्लोली वी गेट इन टू द हीट ऑफ द मैच, हालांकि हमें पहली गेंद से ही उसको 20 ओवर्स क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं फौरन से, ज्यादा टाइम तो होता नहीं है स्कोर बनाने के लिए। देखो अब ये एक बहुत बड़ी बहस बन गई है, मैं इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया पे देख रहा था कि हर कोई पूछ रहा है कि जी हम एकदम से स्लो डाउन क्यों कर जाते हैं। मेरा एक सवाल है सेलेक्टर्स से, अगर वो सेलेक्टर्स प्रोग्राम 100% देखते होंगे इसलिए कि हमें वार्निंग्स भी आ रही होती है, हमें शिकायतें भी कि आपने ये क्यों बोल दिया, आपने ये क्यों कह दिया, तो उसका मतलब वो देखते हैं। सेलेक्टर से मेरा एक सवाल है कि उस्मान खान को आपने जब लिया था क्यों लिया था? इसलिए लिया था कि उसने 100 कर दिए थे पीएसएल में और बहुत जबरदस्त खेला था। फिर मेरा सवाल यह है कि वो कौन से नंबर पे खेला था? अगर वो ओपन करके खेला था या वो वन डाउन जाकर खेला था, आप उसको 4 पे खिला रहे, वो एक आप ये ना कहेंगे आप खिला तो रहे हैं, नहीं, एक लड़का जिसकी एक पोजिशन होती है आप उसको उस पर खिलाए ना, आप उसको एक खेलने का शौक है, नया बॉल वो हिटे मारता है तेजी के साथ खेलता है जैसे साइन खेलता है, तो भाई आप उसको खेलने थे वो नंबर पे, आपने जब ले ही लिया उसको तो उसको उसी नंबर पे खिलाए ना। मैंने बहुत पहले से कह रहा हूं कि बाबर व्हाई नॉट बाबर कम डाउन,
आप उनके साथ ये है कि अगर वो उनके बराबर वाला साथ तेज खेल रहा हो तो वो चलते रहते हैं सिंगल्स लेके, नहीं अब क्रिकेट चेंज हो गई। अब पड़ोसी मुल्क में जो टूर्नामेंट हो रहा है आप उसको देखें तो उसके अंदर तो 250 रन बन रहे हैं, 200 रन सवा 200 रन चेस हो रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ उसका कि क्रिकेट खेलने का अंदाज जो है वो बदलता चला गया है और आपको उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो आपको मतलब आप कामयाब नहीं है। कल आखिरी ओवर के अंदर अब फिर इफ्तिखार की बारी, अब इफ्तिखार को सिचुएशन के हिसाब से शादाब को भेज दिया आपने, भाई इफ्तिखार फिर बेचारा तो वैसे का वैसा रह जाएगा। मैं मेरा कोई दोस्त नहीं है ना मैं उसको कभी जिंदगी में मिला हूं, मगर एक पाकिस्तान के लिए मुझे वो एक प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है, आप क्यों नहीं उसको ऊपर भेज के। सिकंदर क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर हम रोटेशन भी कर रहे हैं तो उसको हिसाब से करनी चाहिए, जिसका नंबर बनता है उसको तब आना चाहिए, ना सिर्फ किसानों को चांस दिया जाए। भी होती है अभी से बाज लोग जो आपको पता ही है, हर शख्स को एक हमारी यहाँ हेल्थ पे और दूसरा क्रिकेट पे तबसरा करने की आदत है कि जी उस्मान को, अब उस्मान की हम केस डिस्कस कर चुके हैं, वो बड़ा सैक्रिफाइस करके लड़का पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आया है, अभी उसको लंबा खिलाना चाहिए, मतलब उसका नंबर चेंज करने में ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो बातें शुरू हो जाती हैं जी इसको हटा दें, इसकी जगह किसी और को ले आएँ, ये ज़्यादती। देखिए मैंने तो ये बात बहुत पहले कह दी थी अपने प्रोग्राम में, जिसमें हमारे एक दोस्त थे वो नाराज हो गए, नहीं जी एक ऑनर होता है, नहीं ऑनर तो होता है मगर एक बंदे को इतना बड़ा उसने चांस लिया, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी कि जी मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, उसको पूरा चांस देना चाहिए। हाँ उसको देखिए अब शायद चांस बन जाए अगर रिजवान की हैमस्ट्रिंग पुल हो गई है और वहां पर आजम खान अनफिट है तो फिर वही कीपिंग करेगा, आपके पास दूसरा विकेट कीपर उन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया है तो वही विकेट कीपिंग करेगा, उस पर उन्होंने कैच भी छोड़ा है तो वही विकेट कीपिंग करेगा तो उसको पूरा मौका मिल जाएगा, हो सकता है पूरे 5-5। इसलिए हैमस्ट्रिंग इतनी जल्दी सही नहीं होती और रिजवान खेले भी स्लो है, 21 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 23 रन किए। जब एक मोमेंटम बन जाता है तो आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, तो आपको अगर शादाब को भेजना ही था तो आप रिजवान की जगह भेज देते ताकि वो टुल्ले मार मार के जो है वो रिदम को बरकरार रखता, इसलिए क्या गेम बदल गई है। तो आप उस्मान को मेरे ख्याल से इतने जल्दी ड्रॉप नहीं कर सकते, आपने एज एन ओपनर उसको सेलेक्ट किया था बिकॉज ही वाज स्कोरिंग रन्स एज एन ओपनर, आप उसको अगले मैचों में ओपन कराएं, आप बाबर को बोले आप नीचे आ जाएं या देखें तो उसको, हो सकता है वो गेम चेंजर हो सकता है भाई, मगर आप तो कहें लेकिन बाबर खुद भी तो सोचें कि अगर वो नीचे आ जाए तो क्या होगा, मतलब ये तो बाबर का भी एक फैसला है ना, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, इज बाबर का फैसला है मगर ये टीम पाकिस्तान की है बाबर की है, हमने ये भी तो सोचना है, पाकिस्तान की टीम है ना, जो सेलेक्टर्स हैं वो पाकिस्तान की टीम को सेलेक्ट करते हैं, वो बाबर को नहीं सेलेक्ट करते अकेले, तो उनको ये देखना पड़ेगा ना एक्सपेरिमेंट करके। मैं तो चलिए अब तो वो सिलेक्शन कमेटी का खुद भी हिस्सा, आई एम श्योर दे वुड यू नो थिंक अबाउट इट प्रोबेबली एंड devise a better plan in the next match. उम्मीद ही की जा सकती है। और वैसे भी हमने अल्टीमेट गोल तो हमारा वर्ल्ड कप है, यही डूज एंड डोंट्स कर करके हम देखेंगे कि भैया अल्टीमेटली होपफुली क्या करना है आके। अच्छा अब सिकंदर रोटेशन में आप क्या लग रहा है कि किसको मौका मिलना चाहिए प्रैक्टिकली? देखिए मुझे यही डर लग रहा है कि मैच जब हम हारते हैं ना हम पैनिक कर जाते हैं और फिर हम पक्के सारे खिला देंगे, तो ये जो दो मैच हैं वो जो नए नौजवान लड़के कोई बैठा हुआ है। सिकंदर जब कोई हारता है तो ऑब्वियसली थिंग्स हैव टू चेंज ना, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो होता है उन्होंने बनाया होता है दैट क्लियरली डिड नॉट वर्क, तो चेंज तो करना ही होगा। हुमा ये जो 5 मैच हैं हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनको आप पूरा एक्सपेरिमेंट्स पे निकाल दें, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आप तैयारी इनको देखकर आप वहां पे टीम खिलाएं, मतलब है कि हम हर मैच में ही तब्दीली करें या एक मैच की जो टीम बनाए प्लेइंग 11 वो एटलीस्ट 2 में तो चला लें या नहीं? हाँ 2 में आपने चला ली ना, ये टीम आपने 2 में चलाई, अब आप बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा ऐसा शफल करें कि जो 170 रन है वो 170 से 200 तक जाए, तो अब उसमें वो आमिर को नहीं खिलाया ना इसमें, किसको नहीं खिलाया? आमिर को। हाँ ठीक है उनको रेस्ट दे दिया, सही है अगले मैच में चाहे आप बुला लें शाहीन को रेस्ट दे दें, रेस्ट तो देना पड़ेगा ना। चलिए लेट्स सी क्या होता है।